क्वालिटी के ताल्लुक से सवाल है मेरा, ये 2022-23 के चलेंगे या फिर ये 24-25 के चलेंगे क्वालिटी कंट्रोल के ताल्लुक से? और रॉयल्टी के कौन से चलेंगे? वेरी गुड, रॉयल्टी के ताल्लुक से आपको मालूम है, क्वालिटी के ताल्लुक से मालूम है। अभी देखो यहां पर मैं डबल क्लिक करके 9 टाइप करता हूं, यहां पर मुझे 5 नंबर का पॉइंट और 6 नंबर का पॉइंट मिलता है। इसके अंदर जो है ये यहाँ पे सैंड की रॉयल्टी का रेट दिया हुआ है आखिर में, और ये जो बी है इसमें मुझे मिलता है आखिर में रेट ऑल अदर मिनरल्स का। तो आप बता सकते हैं कि ऑल अदर मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें आती है? देखकर बोलना है, आपके पास एस्टिमेट है ना? हाँ देखकर। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा और आसान कर देता आपके लिए। ये मटेरियल की शीट है ना आपके सामने, ये मटेरियल के जो भी नाम है दिखाई दे रहे हैं, या फिर और आसान कर देते हो, यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें हमारा सवाल है कि ऑल अदर मिनरल में कौन कौन आएगा। तो अभी आपके सामने ये पूरा चार्ट बना हुआ है, टेबल है, जरा आप सिक्वेंस का ध्यान रखते हुए बोलिए तो ऑल अदर मिनरल में क्या क्या आएगा। ऑल अदर मिनरल्स, यस, आपको ये पता है रेट जो दिया है वही लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, है ना? ये बात आपको क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये जो मटेरियल की शीट है, अभी इसमें मुझे सीमेंट भी लग रहा है, सैंड भी लग रहा है, क्रश मेटल भी लग रहा है, क्रश मेटल 40 mm भी लग रहा है, और साइज भी लग रहा है, रबल, मुरुम, ब्रिक्स और ये स्टील नहीं लग रहा है। तो मैं कौन कौन सी टेस्ट ले सकता हूँ इस एस्टिमेट के मुताबिक? अभी क्या होता है इसमें जो छोटे काम होते हैं है ना, तो उसमें क्या रहता है कि जो मटेरियल लग रहा है उसमें से टेस्ट ली जाती है एक अंदाजे से, डिपार्टमेंट के मुताबिक, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन जो बड़े काम होते हैं ना उसमें फ्रीक्वेंसी चार्ट देना पड़ता है, रूल है कि कितना मटेरियल पे कितनी टेस्ट है ना। तो ये जो ये रहता है हमारा, देखो मैं यहाँ पे टेस्ट के ताल्लुक से अगर 587 डालता हूँ तो मेरे पास ये टेस्ट आई समझो, है ना? तो टेस्ट यहाँ पे दी हुई है, टेस्ट दी हुई है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो उसके बाद है ना क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, ये 591 पे मिलता है। देखो 587 से ये शुरू होता है टेस्टिंग का, लेकिन यहाँ पर ये चीज है। तो ये बड़े कामों में खास तौर से रहता है कि भाई आपको ये टेस्ट कितनी और कैसी लेना है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है ना, तो बड़े कामों में खास तौर से आता है। तो जो डिपार्टमेंट ने बोला वही टेस्ट लेना पड़ती है, ये इतना ध्यान रखना है, और जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी बोली उस तरीके से ही लेना पड़ता है, भले वो मैच हो या ना हो, जैसे डिपार्टमेंट ने बोला वैसे टेस्ट लेना पड़ती है। तो हमारा छोटा काम है, अभी समझो 10 लाख रुपए का काम है हमारा, अब उसमें टेस्ट 2 लाख रुपए की ले सकते क्या आप? क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है, एक तो डिपार्टमेंट से बात कर ली जाए कि कौन कौन सी टेस्ट लेना, या फिर हम जो एस्टिमेट बना रहे हैं तो पुराने एस्टिमेट से मैच करना कि उन्होंने कौन कौन सी टेस्ट ली है, उन्होंने जैसा बोला वैसा करना जरूरी है टेस्ट के मामले में। तो देखो यहाँ मेजरमेंट के अंदर मैंने ये टेस्ट बनाई है, सीमेंट यहाँ लग रहा था, सीमेंट लग रहा था ना मुझे, फिर सैंड लग रहा था, क्रश मेटल लग रहा था। तो ये जो सिक्वेंस थी मेरी, ये मैंने यहाँ पे सिक्वेंस जो ली है यहाँ पर इस हिसाब से ली है। देखो सीमेंट का टेस्ट है तो मैंने सीमेंट लिया, ये बेसिक एग्रीगेट में दो टाइप की टेस्ट मैंने कंसीडर करा, कौन कौन सी? ये देखो ये क्रश मेटल और क्रश मेटल 40 mm, क्योंकि एक ही क्रशर से आएगा, जहां तक हो सके अलग भी आ सकता है ना। हाँ तो ये दोनों चीजें सिर्फ साइज का फर्क है, तो इसकी दोनों की मिला के मैंने क्या किया, एक ही टेस्ट ली। फिर उसके बाद फाइनल ग्रेड ये सैंड है ना, सैंड की मैंने टेस्ट ली, मेरे इस काम में ब्रिक नहीं लग रहा तो मैंने ब्रिक की टेस्ट नहीं ली, ये काम में मेरा कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा तो मैंने कंक्रीट की ये टेस्ट ले ली, लेकिन मैंने रेट ये नहीं लिया, मैंने रेट ये लिया है ना, रेट मैंने ये लिया। हाँ क्योंकि जरूरी था, मैंने पहले ही पूछा आपसे,
तो यहां पर देखिए, ये सीमेंट है उसकी टेस्ट है, ये एग्रीगेट है ये उसकी टेस्ट है, ये फाइन एग्रीगेट यानी रेती है सैंड, ये उसकी टेस्ट है, ये कॉन्क्रीट है उसकी रेट है। अब ये जो स्टोन और रबल जो है, देखो यहां पर ये स्टोन ओवर साइज है ना, तो ये स्टोन और रबल की टेस्ट में नहीं, यहां से समझो, देखो यहां बता देते हैं आपको, ये कंक्रीट के बाद देखो हमारा, अगर पेविंग ब्लॉक कर रहे हैं हम तो उसकी टेस्ट यहाँ दी हुई है ना, और ये स्टोन और रबल से हमने क्या मुराद लिया, दो चीजें ली हमने, तो एक खुद रबल तो है ना, और दूसरा 40, 60, 80 mm जो रहते हैं ना, हैंड ब्रोकन वगैरह, वो भी हमने मुराद लिया है ना। तो आज ये बताना जरूरी था आपको, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि क्वालिटी कंट्रोल का टेस्ट इस तरीके से हमने लिया है।